कल रात को दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों की शिकायत पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज कर दी। एक FIR 6 पहलवानों की शिकायत पर छेड़खानी की धाराओं के तहत दर्ज की गई, जबकि दूसरी FIR नाबालिग पहलवान की शिकायत पर प्राक्सो एक्ट में दर्ज की गई, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी हो सकती है। 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में ये शिकायतें दी गई थी, जिस पर कोई कार्रवाई न होने पर पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। कल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो इस मामले में FIR दर्ज करेगी। ओलंपिक कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित कई पहलवान 6 दिन से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, जिनसे मिलने आज सुबह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची। उन्होंने वहां मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए जरा। दर्ज हुए हैं तो उसकी कॉपी नहीं मिली है किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस FIR में क्या है, कौन सी धाराएं कौन सी नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है, सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने आपसे, आप बार बार यही कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना, अगर FIR दर्ज हुए हैं तो कम से कम इनको दिखाना चाहिए कि क्या है, कॉपी देनी चाहिए। ये सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि FIR इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करिए, उसको हटाएं पद से, उसका पावर तो लीजिए। जिस पावर, जिस सत्ता ने उसको इनेबल किया है कि वो ये सब करें, पर पहले वो तो हटाइए। देखिए, जो मैं सुन रही हूँ, जो मुझे बताया गया है, और मैं पूरी तरह से बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये लड़कियां जो हैं इतनी मेहनत करती हैं, इतनी ट्रेनिंग के लिए, इतने शोषण इनको देखने पड़ते हैं, इतना करना पड़ता है एज इट इज, अपनी फैमिलीज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना कर रही हैं, तो कुछ कह रही हैं कि इनके साथ, और एक नहीं कह रही है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ये सब हुआ है। तो मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार इनको बचा क्यों रही है। किसी से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी, अब भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं, इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना, हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं, बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो आप, और फिर बात खत्म, यही चाहती है ना सरकार। क्यों चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गाँव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर FIR दर्ज नहीं होता,
एफआईआर दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती, ये कोई नई कहानी नहीं है। लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। तो पूरा पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, इनकी सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए, सबसे पहले। ये तो सब देखिए, जैसे ही महिला खड़ी होती है सारे लूप होल निकल जाते हैं, तमाम ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं, उस महिला को भी के बारे में भी उल्टी सीधी चीजें कही जाती है, हमेशा आपने देखा है। लेकिन लेकिन देखिए ये संघर्ष करने वाली महिलाएं हैं, इन्होंने एज इट इज बहुत फेस किया हुआ है और ये फेस करेंगी, ये मैं समझ मुझे समझ में आ रहा है। आपने तो बहुत पूछ लिया। ऑपरेशन सीस मेल में टाइम्स ने दिखाया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में 44 करोड़ उन्होंने खर्च किया सिर्फ मिट्टी के डिजाइन। देखिए आपको पॉलिटिसाइज करना है ये सब, नहीं तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं, यही तो बात है। तो एक्शन तो तब होगा जब पब्लिक प्रेशर आएगा। फ्रेंकली आज ये स्थिति है कि पब्लिक इनके साथ है, पब्लिक प्रेशर डाले। मैं इस देश की हर एक महिला को, हर एक लड़की को कहना चाहती हूँ, ये लड़कियाँ अकेली खड़ी हैं यहाँ, आप इनके साथ खड़े हो और इनकी आवाज़ को आप बुलंद करो, क्योंकि जब तक आप खड़ी नहीं होंगी तब तक कोई एक्शन नहीं होगा। इस मामले को निपटने की कोशिश होगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम अलग बैठे थे, तो मैं यहाँ क्यों बताऊँ वो बातें, वो इनकी निजी बातें हैं। लेकिन मैं इतना बताना चाहती हूँ कि मुझे इन पर बहुत गर्व है कि ये आज इस चीज़ को लेकर खड़े हुए हैं, और इसमें कोई एक्चुअली कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, इसका राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो एक बहुत बड़ी शेम होगी, और हम सबको इनके साथ खड़ा होना चाहिए, बस इतनी सी बात। ये कुर्ता सिलना है मेरे साइज का। अच्छा एक मिनट, हाँ मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ हाँ, छोड़िए, हाथ हाथ ऊपर कीजिए। मैं बाद में आती हूँ ना, अभी कर लेते हैं, वो बाद में आती हो जाएगा। सुनिए ना दिव्या दीदी, आपकी दुकान छोटी है मगर हुनर बड़ा है, एक बड़ी दुकान लेके आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ाती? लेकिन मनी बाबू, पैसे कहाँ से लाए? दिव्या दीदी, सरकार की कई सारी स्कीम्स मेहनती व्यापारियों के लिए तो है। अच्छा, लेकिन क्या हम जैसों के लिए भी कोई स्कीम है? बिल्कुल, CGTMSE की क्रेडिट गारंटी स्कीम है ना, उसकी जानकारी लीजिए और फाइनेंस कंपनी से आर्थिक सहायता लेकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। भारत में हर रोज हजारों लघु उद्योग शुरू होते हैं, मगर जानकारी ना होने की वजह से ये इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने विकास को गति दें। मनी ज्ञान से जीवन आसान।